फिरोजाबाद नगर निगम चुनाव नामांकन के आखिरी दिन दूसरी बार पार्षद पद के वार्ड नंबर 36 से सतीश राठौर ने किया नामांकन। नई उमंग नया जोश के साथ कार्यकर्ताओं को लेकर नामांकन करने पहुंचे। बता दें 2017 निकाय चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पत्नी फूलमाला राठौर ने सैकड़ों वोटों से जीत हासिल की। जीतने के बाद भाजपा में हुए शामिल। इस बार भाजपा ने भरोसा करके पार्टी से टिकट दिया, जिसके बाद दूसरी बार पार्षद पद के लिए नामांकन किया। बातचीत के दौरान बताया कि 5 साल में नई आबादी एवं क्षेत्र में बहुत विकास कार्य हुआ, अगर जनता ने दोबारा मौका दिया तो इससे भी बेहतर काम करके दिखाएंगे। जी पिछले साल 2017 में निर्दलीय के रूप में आपका पर्चा फाइल किया था, उसके बाद बीजेपी ज्वाइन की, तो दोबारा आप बीजेपी ने आपको पार्षद प्रत्याशी बनाया है, किस प्रकार से क्या क्या समस्याएं रहेंगी आपके वार्ड में, किस तरीके से उनका पार्टी की तरफ क्या समस्याएं समाधान किया जाए? 2017 में चुनाव जीतने के बाद हमने तत्कालवादी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था और भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में ही बहुत अच्छा विकास कराया क्षेत्र में। मुझे उम्मीद है इस बार पार्टी ने भरोसा जताया है, पार्टी का भरोसा पूर्ण होगा, हम ही उस बार से तौर पर विजयी साबित होंगे। जिस प्रकार से पार्टी ने भरोसा आपको दोबारा जताया है कि पहले निर्दलीय थे, इस बार पार्टी कैंडिडेट बनाया है, तो किस प्रकार से लोगों की और जो समस्या है, जो निचला क्षेत्र है आपके वार्ड में, उस तरीके क्या कितना विकास है और किस तरीके से हुआ है? अपना वार्ड वैसे भी नई आबादी का वार्ड है, बहुत भी ज़्यादा समस्याएँ थी, हमने अपने स्तर से बहुत कार्य किया और समस्याओं को काफ़ी हद तक कम किया। कुछ समस्याएं अभी भी जो बाकी रह गई हैं, आगे आने वाले कार्यक्रम में उनको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे।